नोटबंदी के बाद देश में कैसे हालात हुए, किस तरह से अर्थव्यवस्था गिरी है और नोटबंदी के दौरान किस तरह से लोगों को परेशान होना पड़ा है, ये मैसेज एक अनूठे अंदाज में दिया गया है पंकज कुमार शर्मा के द्वारा। आप देख सकते हैं कि जयपुर के जवाहरलाल नेहरू मार्ग पर बड़े बड़े स्क्रीन यहाँ पर लगाए गए हैं जो राजस्थान विश्वविद्यालय से लेकर के गांधी सर्किल तक करीब आधा किलोमीटर के क्षेत्र में जो है अलग अलग स्क्रीन लगाए गए हैं, जिसमें ये दिखाया गया है कि नोटबंदी के दौरान लोगों को किन किन तरह की तकलीफें हुई थी और उसके नज़ारे क्या थे। जो खबरें मीडिया में प्रकाशित हुई है उन सारी खबरों को और तस्वीरों को यहाँ पर दर्शाया गया है। साफ देख सकते हैं इसमें लिखा हुआ है, पैसे निकालने में पिस गए, ये किसी अखबार की हेडिंग है जिसका फोटो जो है यहाँ पर दिखाई गई है और साथ में ये भी दिखाया गया है कि लोग किस तरह से परेशान हैं। पीछे एक और बड़ा होर्डिंग लगा रखा है जिसमें जो अखबारों की खबरें हैं, जो नेशनल अखबारों में खबर छपी है उनके यहाँ पर कटिंग्स को लोगों को दिखाया जा रहा है। जवाहरलाल नेहरू मार्ग से जो भी लोग गुजर रहे हैं वो इनको देख रहे हैं और ये नज़ारा केवल यहाँ तक नहीं है, पूरे आधा किलोमीटर तक यानी कि जवाहरलाल नेहरू मार्ग पर राजस्थान विश्वविद्यालय से लेकर के गांधी सर्किल तक पूरे में ये आधा किलोमीटर दूरी तक यहाँ पर ये तस्वीरें के रूप में दिखाया गया है। औंधे मुँह गिरा विकास, नोटबंदी से वृद्धि दर में जो है कैसी गिरावट आई है और देश की जो अर्थव्यवस्था हाँप रही है उसको यहाँ पर दिखाया गया है। जिन्होंने ये एक यूनिक तरीके की एग्जीबिशन लगाई है, पंकज कुमार शर्मा उनसे बात करते हैं। पंकज जी, ये किस तरह का मैसेज आप देना चाहते हो? ये हमने सच का, ये प्रदर्शनी हमने सच का आईना लगाई है। इस सच के आईने में हमने प्रधानमंत्री जी को आईना दिखाने की कोशिश की है कि प्रधानमंत्री जी ये देखिए देश में क्या हो रहा है। हमने इस प्रदर्शनी के माध्यम से उनको सच्चाई बताने का प्रयास किया है। आज देश किस दौर से गुजर रहा है, अर्थव्यवस्था चौपट हो चुकी है, नौजवान बेरोजगार हुए पड़े हैं, उद्योग धंधे छोटे बंद हो चुके हैं, जो उन पर श्रमिक काम कर रहे थे वो आज सड़कों पर घूम रहे हैं, पूरी बड़ी बड़ी डिग्रियां लेने के बावजूद लोगों को छोटे छोटे से रोजगार नहीं है। इन सब जो समस्याएं थी वो नोटबंदी और जीएसटी के बाद ये सारी अधिकांश से समस्याएं उत्पन्न हुई हैं, वो हमने मोदी जी तक पहुंचाने का प्रयास किया है कि मोदी जी सुनो और देश को बचाओ, अपनी हठधर्मिता के कारण देश को संकट में न डालें। बार बार मोदी जी ऐसे काम करके और देश को भटकाने का प्रयास करते हैं, कभी धारा 370, कभी NRC, तो हमने इस प्रदर्शनी के माध्यम से उनको ये आईना दिखाने का प्रयास किया है। तो ये जो एग्जीबिशन है ये सिर्फ मोदी जी के लिए है या फिर आम आदमी को इस बात के प्रति जागरूक करने के लिए, क्योंकि जो भी लोग यहाँ से गुजर रहे हैं वो रुक रुक के देख रहे हैं एग्जीबिशन को? ये आम आदमी को उनके दर्द का वापस एक याद दिलाई जा रही है, एहसास कराया जा रहा है कि ये आपके क्या कारण थे कि जिस कारण आज ये परिस्थिति बनी है और आज ये जो पोजीशन बनी है, ये इसके लिए प्रदर्शनी वापस इसीलिए लगाई गई है। और इसमें हमने वो अखबार की कटिंग्स दिए हैं जो कि मोदी जी का खुद का मीडिया कहलाता है और यही सारी वो खबरें हैं आप देख सकते हैं। इसमें पूरे राजस्थान की, पूरे देश की, इंग्लिश न्यूज़पेपर्स की सारी खबरें दी हुई हैं। ई कटिंग के माध्यम से हमने इनके कोलार्ज बनाए और कोलार्ज लगा के आमजन के लिए प्रदर्शित किया है। बिल्कुल, ये जो मैसेज दिया जा रहा है इस एग्जीबिशन के जरिए, इसका नाम दिया गया है सच का आईना, यानी कि जो सच्चाई अखबारों में छपी है, खबरें के रूप में प्रकाशित हुई है, उससे मोदी जी को रूबरू कराने के लिए और साथ में ही आम जनता को जागरूक करने के लिए कि देखिए इस दर्द जो नोटबंदी के दौरान जो देश ने जो दर्द झेला था उसको याद कीजिए, उसको एहसास कीजिए और जिन मूल मुद्दों पर सरकार का ध्यान होना चाहिए वहाँ पर सरकार का ध्यान क्यों नहीं है। कैमरा पर्सन अभिजीत शर्मा के साथ रामस्वरूप, स्वराज एक्सप्रेस।